हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस वक्त कोरोना है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी, बिना वजह बाहर ना निकले। तो अभी दोस्तों एक अपडेट मुझे मिला है आपके स्कॉलरशिप का, जो ब्लैंक स्टेटस था उसमें दिखने से क्या करना है, कैसे करना है, इसी को लेके एक थोड़ा सा खबर मिली है। तो मैं सोचा कि इसको अपडेट दे दूँ, क्योंकि कल भी मैंने एक अपडेट आपको बताया था और आज थोड़ा सा मुझे अपडेट मिला, तो सोचा कि उसको भी अपडेट करता चलूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मुझसे जो है कुछ लोग, मैंने वहाँ पर बात करने की कोशिश की तो उनका ये जवाब थोड़ा सा मिला कि इलेक्शन अभी हो रहे हैं और जाहिर बात है इलेक्शन होने की वजह से अभी प्रॉपर लोग कोई बैठ नहीं पा रहा, कोरोना भी है और साथ में इलेक्शन भी है, तो बहुत से अधिकारी अभी भी जो है बैठ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है काम दौड़। लेकिन उन्होंने डेट बताई है कि इस तारीख तक मान के चले कि सबका जो स्टेटस शो होने लगेगा, स्टेट में पूरी चीज़ें बताई जाएंगी क्या है कैसे, इसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। और कुछ लोग के कमेंट को भी ले लेते हैं, कमेंट के साथ क्लियर करते हैं, देख सकते हैं कुछ लोग का कमेंट क्या है वो भी मैं बताता हूँ, प्लस इसमें भी क्लियर करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सर, दोस्तों मैंने 2 कमेंट लिया है। एक कमेंट है जो है थोड़ी देर पहले आया था, उनका स्क्रीनशॉट लिया, और दूसरा है कि सर मेरा एसएमएस आया है, वन स्टॉप साहब ने मेरा एसएमएस जो है आया है कनेक्ट 16 को स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। तो ये एक दोस्त का था जो इन्होंने कहा है वन स्टॉप साहब आपकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि 16 को स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं ये चीज़ उन्होंने पूछा है। तो जी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करिए, धैर्य बनाने की ज़रूरत है। दूसरा एक सर, मेरा बीएड सेकेंड ईयर है, 60% है, मेरा डी एफ वेरीफाई हो चुका है, मार्च 1 को अभी तक नहीं आई। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि उनका पहली तारीख को जो है 1 मार्च को हुआ था और 1 महीने से ये ऊपर हो चुका है, अभी तक इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो ये दोस्तों काफ़ी मतलब जो है, लेकिन इसका रीज़न क्या है कि अभी इलेक्शन है, कभी कोरोना कभी कुछ, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आज मैंने उन्हीं से रिलेटेड समाज कल्याण से अधिकारी से ही बात करने पे भी मैंने कल में पूछा था तो उन्होंने ये जवाब मुझे मिला है, लेकिन आज जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे एक तारीख बता दी कि इस तारीख तक जो है आपकी आनी है। तो उन्होंने जो बताया है कि तारीख जो है ये 30 तारीख तक उनका कहना है कि 30 मई तक जो है, सॉरी 30 अप्रैल तक जो है ये स्टेटस आप लोग चेक करते रहिए, हो सकता है अपडेट कर दिया जाए। अगर 30 तक नहीं होता है तो 6 मई मान के चलिए, 6 मई यानी आप 27-28 के बाद चेक करना शुरू करें, क्योंकि इलेक्शन 29 तक इलेक्शन है, 27 या 28 तक जो है इलेक्शन है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होना शुरू होंगी। जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी आना शुरू होगा, ये तारीख थी जो तारीख मैंने आपको यहाँ बताई है। अब इलेक्शन कब तक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप हमें बताओ कि किसकी स्कॉलरशिप आई है, किसकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। थोड़ा सा आप लोगों का ये सपोर्ट चाहिए मुझे कि आपकी स्कॉलरशिप आ गई है कि नहीं आ गई है, ये आप मुझे ज़रूर से बताओ, कमेंट करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर समझ में आए दोस्तों तो इसको करो, जैसे ही मुझे कोई और भी अपडेट अगर इससे रिगार्डिंग मिलती है तो मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक स्टेटस कब तक है तो मैंने बताया कि 30 अप्रैल या 6 मई मान के चलो दोस्तों, 6 मई तक जो है आप मान के चलिए आपका जो है हट जाएगा, शो करने लगेगा, उसकी तो है 30 तक, लेकिन मैंने 6 मैक्सिमम बोला है कि तक आपकी स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगी। तो इसी बीच में आप चेक करते रहिए अपने स्टेटस को भी, अभी पीएमएफ वगैरह से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आने वाली है, तो जैसे ही उस पर अपडेट आती है मैं आपको उस पर भी बताता हूँ। तो होप यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।